क्या हाल चाल है? सब मस्त हो ना? पढ़ाई की तैयारी कैसे चल रहा है? काफी जोर से मेहनत करो, एग्जाम काफी नजदीक आ गया। 3-4 दिन के बाद तुम लोग का एग्जाम है। काफी है ना, मस्ती से तैयारी करो। खूब बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं तुम लोगों को। मैथ में 100 में 100 रहना चाहिए। कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक बच गया था, वो टॉपिक अभी बता रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन क्लास में इसको हम नहीं पढ़ाया था, ठीक है? तो वही कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ना है। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन? कर रहा है कंपोजिट फंक्शन एफ सच डेट एक्स टेंस टू वाई, कर रहा है एफ सच डेट एक्स टेंस टू वाई इज ए फंक्शन। कह रहा है एफ कोई एक फंक्शन है जो एक्स टेंस टू वाई है, ठीक है? एंड जी सच डेट वाई टेंस टू जेड, जी कोई अदर फंक्शन है, इज एन अदर फंक्शन। जी क्या है? कोई एक अदर फंक्शन है। तुम्हारे पास दो फंक्शन हुआ, एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन क्या है? जी है। दो फंक्शन है। देन जी ओ एफ क्या है? जी ओ एफ सच डेट एक्स टेंस टू जेड इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। कहता है यदि एफ एक्स से वाई की तरफ बड़ा एक फंक्शन हो और जी वाई से जेड की तरफ का एक फंक्शन हो, तो कहता है कि जी ओ एफ सच डेट एक्स जो होगा ना, वह जेड की तरफ का फंक्शन होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। उदाहरण से एकदम स्पष्ट हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं यार? तो चलो हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट बताएंगे तब उदाहरण बताएंगे, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन जी है। तो देखो एफ है ना, एक फंक्शन एफ है जो है ना, यहाँ पर एक्स से वाई के बीच में एक फंक्शन तैयार हुआ जो एफ फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन वाई से जेड के बीच में तैयार हुआ वाई से जी है। क्वेश्चन के मुताबिक देखो ना, उपवेश सारे जो लिखे उसके मुताबिक दो फंक्शन, एक है एफ और एक जी है। तो एक फंक्शन एफ हुआ, एक हुआ जी। एफ जो फंक्शन है वो एक्स और वाई के बीच में, और जी जो फंक्शन है वाई और जेड के बीच में। अब देखो यहाँ पर एक का ए के साथ मैच है, दो का बी के साथ, तीन का सी के साथ, चार का डी के साथ मैच है। अब यहाँ पर एफ एक्स बराबर वाई, अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स टेंस टू वाई, इसका मतलब हुआ एफ जो है ना, अगर उसमें एक्स प्रवेश करेगा तो क्या फेंकेगा? वाई फेंकेगा। तो वही लिखे हैं एफ एक्स बराबर कितना लिखे हैं? वाई लिखे हैं। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर एक जाएगा तो उसका मान कितना आएगा? एक आएगा। तो वही लिखे एफ वन बराबर ए। अब बताइए x के जगह पर दो जाएगा तो y के मान कितना फेंकेगा? b फेंकेगा। तो लिखिए एक दो बराबर b। अब देखिए x के जगह पर तीन है तो उसका मान कितना फेंकेगा? y के मान c फेंकेगा। तो एक तीन बराबर c हो गया। f के जगह पर चार है उसका मान क्या फेंकेगा? d फेंकेगा। तो एक चार बराबर क्या हो गया? d। यह एक फंक्शन था उसके आधार पर लिए। अब दूसरा फंक्शन है जी वाई एन जी सर वाई टेंस टू एस एच जेड। कर रहा है जी में वहां पर ऐसे डोमेन के रूप में क्या है? वाई है, और वहां पर रेंज के रूप में क्या है? जेड है। तो वहां पर देखिए यहाँ पर जी वाई बहन बराबर क्या है? जेड है। मतलब जी के अंदर यदि एफ वाई प्रवेश करता है तो क्या आता है? जेड आता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जी में ए प्रवेश कर रहा है तो क्या रिजल्ट फेंक रहा है? पी। देखिए ए फेंके ए ना अंदर ले गया है तो पी आया। फिर जी में याद देखिए यहाँ पे बी को अंदर ले गया है तो उसका रिजल्ट क्या फेंका है? क्यू। फिर उसके बाद सी ले गया क्या रिजल्ट फेंका है? आर। तब उसी प्रकार डी ले गया उसका रिजल्ट क्या फेंका है? एस फेंका। बात समझ में आएगी नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। इस सब का कॉन्सेप्ट आप इससे समझो, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात लिखा हुआ था, ये दोनों लिखा हुआ समझ में आ गया। इससे तीसरा बात है जी ओ एफ सच डेट एक्स टेंस टू जेड, इसका मतलब क्या हुआ इससे समझो। तो कह रहा है जी ओ एफ सच डेट एक्स टेंस टू है ना जेड दिया हुआ है, मतलब जी ओ एफ एफ का जो एक्स है ना, एफ का जो एक्स है वो जी के लिए कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। देखिए एफ का जो एक्स जो है, एक्स जो है ना वो निकलेगा तो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये बात कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कहता है कि एफ के है ना एफ सच डेट एक्स टेंस टू वाई और जी के है ना सच डेट वाई टेंस टू जेड ऐसे दिया हुआ, तब अगर ऐसा स्थिति होगा ना तो जी एफ जो सच डेट एक्स टेंस टू जेड जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। कैसे ज्ञात होता है कंपोजिट फंक्शन? यहां से कंसेप्ट क्लियर होगा। जी ओ एफ सच डेट, अब देखिए यहाँ पे वन लिया एक्स से है ना जेड आ रहा है, तब एक्स का तो मान हमारे पास थे 2-3-4 है, हम वहां पे एक्स के जगह पे क्या ले लिए? वन ले लिए। तो वन लेंगे, देखिए वन लिए हैं तो वास्तव में है ना जी ओ एफ के लिए वन लिए हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा जो वन है ना जगह बगल में रहेगा उसी के लिए है, तो एफ के लिए वन है, तो एफ के लिए वन है। ई वन ए होता है, ए किसमें बदल जाता है? जी में, पी में बदल जाता है। यहाँ पर जी ओ एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? पी में।
उसी पर जीओ एक जो है इसका सौ से दो दिया हुआ है, तो एक का मान यहाँ पे कितना है दो है, एक्स का मान दो लिए, ये दो ऐसे जैसे है ना ओ में बदलता है कंपोजिट में बी आता है, अब बी के वैल्यू जब जी में आते हैं तो क्या हो जाता है क्यू हो जाता है, उसी प्रकार जैसे जीओ एक है ना चार जाएगा तो क्या हो जाएगा पांच। अब हम इस बात को साबित कर रहे हैं, इस बात को क्या कर रहे हैं साबित कर रहे हैं, कैसे कंपोजिट फंक्शन को हम लोग बनाएंगे यहां से स्पष्ट होगा। जी ओ एफ सच दैट एक, अभी हम लिखे इतना टेंस टू कितना हो जाएगा पिन होता है, तो हम देखिए इसको तोड़ के निकालते हैं, तो जी ओ एफ सच दैट वन लेते हैं, इसको कैसे लिखिएगा शुरू में जो जी है ना उसको जस्ट के तस रहने दीजिएगा, ओ जो है ना जब ओ है उसके लिए ना माध्यम कोष्ठक का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे जो कंपोजिट फंक्शन को दर्शाता है, और यहाँ पर एफ है एफ के जगह देखिए ना वन है ना ये लिखेंगे एफ वन लिखेंगे, इस साइड में जे रहेगा ना वही अंदर प्रवेश करेगा जो शुरू में रहेगा वो बाहर रहेगा, तो F1 है यहाँ पे F1 लिखिए, F1 जो होता है देखिए निकालने में F1 का मान कितना है A है, F1 के जगह पर रख देंगे A रख देंगे तो जी ए हो गया, अब जी ए देखिए जी ए कितना हो रहा है P हो रहा है तो जी ए का वैल्यू क्या हो गया P हो गया, तो क्या यहाँ से स्पष्ट नहीं हो गया जी ओ एफ एक जो होगा वह किसके बराबर होगा पी के बराबर, इसी प्रकार हम बारी बारी से तीनों को साबित कर सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है ना एकदम समझ में आ गया, ध्यान से देखना। और एक बात याद रखना काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जी ओ एफ जो होता है ना एफ ओ जी के कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी बराबर नहीं होगा, जी ओ एफ जो होगा वो एफ ओ जी के बराबर नहीं होता, बात समझ में आया कि नहीं आया, तो चलो इस पर एक क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेके हम बताते हैं पूरा एकदम स्पष्ट हो जाएगा, चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ध्यान दो, क्वेश्चन है कर इफ एफ बराबर वन टू थ्री फोर टू सेवन और फोर फाइव दिया हुआ फंक्शन, एक फंक्शन एफ दिया हुआ है उसका मान दिया हुआ है चार, उसी प्रकार है ना एक जी भी दिया हुआ है, जी का वैल्यू है दो सात सात ग्यारह और दिया हुआ है नौ, क्या दिया हुआ है तीन दिया हुआ है, अब इसके लिए कह रहा है देन फाइंड, देन फाइंड क्या क्या निकालना है, तो कहता है नंबर एक में कह रहा है जी ओ एफ, नंबर दो में कह रहा है एफ ओ जी, नंबर तीन में कह रहा है जी ओ जी, नंबर चार में कह रहा है एफ ओ एफ, देखिए चार पॉइंट वैल्यू ज्ञात कर रहा है, हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन है कह रहा है यदि एफ इफ एफ बराबर इतना एंड जी बराबर इतना देन फाइंड जी ओ एफ एफ ओ जी जी ओ जी चाहे एफ ओ एफ चारों का मान ज्ञात करना, देखो कैसे ज्ञात करें बहुत ईजी है, ध्यान देना इधर देखो इधर पूरा स्पष्ट हो जाएगा, तो एफ बराबर दिया हुआ जी बराबर लिख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ तुम्हारे पास, एफ का वैल्यू है वन कामा टू थ्री कामा फोर उसी प्रकार टू कामा सेवन और चार कामा क्या फाइव दिया हुआ है ना, और जी का वैल्यू दिया हुआ है दो कामा सेवन सात कामा ग्यारह और नौ कामा कितना दिया हुआ है तीन दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलो अब नंबर एक में सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर एक कह रहा है जी ओ एफ क्या दिया हुआ है जी ओ एफ मतलब हमसे एफ है जी ओ एफ का मान पूछ रहा है, ठीक है देखो कैसे इसको बनाएंगे ध्यान देना, जी ओ एफ कैसे निकालेंगे जी ओ एफ, पहले इधर क्या करेंगे हम जी को रख लेंगे, क्या रख लेंगे जी को रख लेंगे, ध्यान देना पहले हम क्या करेंगे जी को रख लेंगे, अब एक बात बताओ एफ का मान उसमें तू खोजो एफ है ना तो एफ में खोजना है, एफ रहेगा तो किसमें खोजेंगे एफ में खोजेंगे, तो यहाँ पर तुम गौर से देखो एफ जेबर देख रहे हैं एफ में वन टू है, क्या है एफ में वन टू है, एफ को देखना है उधर जे रहेगा पर उसी को देखना, ध्यान दो उधर उधर जे रहेगा उसी को देखना, यहाँ पर एफ है उधर तो एफ में वन टू देखो, अब देखो तो उसमें टू जे है टू से क्या कोई जी में स्टार्ट हुआ है, तो हाँ टू से है ना टू स्टार्ट है टू सेवन, तो टू टू हटा देना वन सेवन ले लेना वन सेवन इसका मान हो गया, उसी प्रकार तीन चार पे छोड़ो तीन चार क्या देखो तो चार से कोई जी में शुरू है नौ ही शुरू है उसको छोड़ो, अब देखो दो सात क्या बताओ तो सात से में कोई शुरू है हाँ एगो शुरू है देखो ना सात ग्यारह है कि नहीं, देखो दो सात से सात ग्यारह शुरू है सात सात हटेगा दो से ग्यारह हो जाएगा तो दो ग्यारह हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं है, फिर देखो अभी खत्म हो गया चार पांच क्या पांच से में कोई शुरू है नहीं शुरू है इसको छोड़ देंगे, अर्थात जी ओ एफ का वैल्यू हो गया वन कामा सेवन और टू कामा ग्यारह। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन अब कह रहा है एफ ओ जी मतलब एफ ओ जी का मान कह रहा है कि कितना होगा, ध्यान देना एफ ओ जी है यहाँ पर एफ ओ जी, अब जी को तुम देखो चलो जी को देखते हैं दो सात, अब देखो तो सात से कोई इसमें शुरू है देखो तो कोई शुरू है
कोई शुरू नहीं, इसको छोड़ कट गया। अब सात ग्यारह तो कहते तो सात ग्यारह में कोई शुरू है ग्यारह से, नहीं शुरू है छोड़ दो, पढ़ा लेंगे घर चलेगा उससे भी देखेंगे जी है। अब देखो नौ तीन, क्या तीन से कोई शुरू है? हाँ शुरू है, तीन कमा चार, तो तीन से तीन कटेगा नौ और चार बचेगा, इसका हो जाएगा नौ कमा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? चलो इस सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है जी ओ जी, जी ओ जी मतलब जी तो पहले देखना है या पुनः फिर जी में देखना है? चलो पहले जी में देखते हैं, दो कमा सात। अब देखो दो कमा सात आ गया, सात से कोई जी में स्टार्ट है तो हाँ सात से स्टार्ट है, सात ग्यारह तो सात खत्म, दो ग्यारह बचे, क्या बच जाएगा दो ग्यारह बच जाएगा। क्या उसके बाद देखो सात ग्यारह, ग्यारह से कोई शुरू है नहीं है छोड़ो, नौ तीन, तीन से कोई शुरू है नहीं है छोड़ो, तो मतलब एक के कोई शुरू हो जाएगा। चौथा नंबर करा एफ ओ एफ, तो एफ ओ एफ बराबर, अब देखो एफ ओ एफ कर देना एफ ओ एफ, इसका मान कैसे निकलेगा? फिर एफ में है, एफ में देखेंगे पुनः एफ में देखेंगे, तो एफ एफ में देखो वन टू, क्या टू से शुरू है? हाँ यह शुरू है, टू सेवन, टू से टू हटा वन सेवन बचेगा, इसका हो जाएगा वन सेवन। उसी प्रकार थ्री फोर, फोर शुरू है हाँ यह शुरू है, फोर फाइव, तो फोर हटाओ थ्री और क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। उसी प्रकार टू सेवन, क्या सेवन है नहीं शुरू है, फोर फाइव, क्या फाइव शुरू है नहीं सेवन, मतलब यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझे बात आया कि नहीं आया? हल्का क्या है? बहुत हल्का है, समझ में पूरा आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को तो पीछे करके फिर समझने की कोशिश करना, अगर तुम्हारे पास पूरा वीडियो उपलब्ध है इससे, अब क्लास में नहीं है फिर पीछे हो गए, फिर इसमें ना बढ़िया से इसे छूट भी जाएगा तो फिर आगे बैठ इसको बैक करके देख सकता है, बढ़िया से उसको देखो पूरा समझ में आ जाएगा। बात समझ में नहीं आया, याद रखना जी ओ एफ है तो पहले एफ को देखेंगे और फिर उसके बाद जी में देखेंगे, जो कॉमन होने वाला उसको हटा देंगे, जब बच जाएगा शुरू लास्ट में वही बोलो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ बात आया कि नहीं है? तो यह हो गया एक क्वेश्चन, ये चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कर आए लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। उसके बाद पुनः है लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर, सच दैट एफ ओ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एंड लेट g such that r tends to r such that f of g of x equal to 3x square, so that क्या कर रहा है g o f बराबर नहीं होगा f o g, यही क्वेश्चन है। ध्यान देना क्वेश्चन है कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कह रहा कि आर जो है ना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्या है यार वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर कह रहा है कि लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, कह रहा है कि ये जो फंक्शन एफ जो है ना वो रिलेशन आर से आर के बीच का रिलेशन, कैसा रिलेशन है आर से आर के बीच का रिलेशन है, इस प्रकार है कि एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है कॉस एक्स, यहीं से मेरा काम होगा, एफ ऑफ एक्स का मान क्या हो गया कॉस एक्स, एंड जी एक अदर फंक्शन है जिसका है ना जिसमें रिलेशन है आर से आर के बीच में, और जी एक्स का मान दे दिया हुआ है जी एक्स का मान तीन एक्स स्क्वायर, तो हमको यह दिखाना है कि जी ओ एफ जो होगा ना वो एफ ओ जी के बराबर नहीं होगा। हम थोड़ा देर पहले ही आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि जी ओ एफ जो होता है ना एफ ओ जी कभी बराबर कहीं बराबर इससे नहीं होता, बस समझ आ गई नहीं, तो वही इसको हमको दिखाना है साबित करना है कि वास्तव में वो एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखिए पूरा स्पष्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखो हमसे पूछ रहा है यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो चलिए हम इसको उठाते हैं, किसको उठाते हैं जी ओ एफ को उठाते हैं, तो जी ओ एफ को लीजिए, तो जी ओ एफ में आप देखिए ना जो भी काम हो रहा है वो एक्स के लिए ना है, तो यहाँ पर जी ओ एफ आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर, ठीक है। अब देखिए बोले थे ना कि जे उधर रहेगा उसी पे काम करते हैं पहले, उसके बाद जी पे आते हैं, तो जी ओ एफ में तो पहले हम लोग एक पे काम करेंगे, तो उसको ऐसे लिखेंगे ऐसे
जी शुरू में इसको रहने दीजिएगा, एफ एक्स इसको लिख लीजिएगा एफ एक्स, बात समझ में आया कि नहीं है। चलिए यहाँ पर जी एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कॉस एक्स दिया हुआ है, इसको कॉस एक्स लिख लीजिए, ठीक है कोई बात नहीं ना। चलिए देखिए इधर, अब देखिए जी एक्स है, यहाँ पे देखिए एक्स है तो तीन एक्स स्क्वायर फंक्शन है, तब एक्स के जगह पे कॉस एक्स ना, तो जब फेंकेगा तो क्या फेंकेगा तीन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स फेंकेगा, क्या फेंकेगा तीन कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में बता रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इसे उधर का देखिए एफ ओ जी देखते हैं, तो चलिए तो जी ओ एफ ने निकाले हैं, अब हम निकालेंगे एफ ओ जी, तो वही बात एक्स को पूरा निकालेंगे, तो यहाँ पे जी है ना तो जी का मान उधर हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एफ है तो एफ जस के तस रह दीजिए, यहाँ से एफ है तो इसको एफ रह दीजिए, जी एक्स का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है तीन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं, चलिए जी एक्स का मान हो गया तीन एक्स स्क्वायर। अब एफ है, एफ सोचिए अब तुम्हारा आपका फंक्शन तो एफ में तैयार हो चुका है, आपका फंक्शन किसमें तैयार हो चुका है एफ में, आपका फंक्शन तैयार हो चुका है एफ में। गौर से देखिए जब यहाँ पर एक्स है, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स है तो कॉस एक्स हो जाता है, मतलब कॉस में चला जाता है, तो जब आपके पास एक्स के जब तीन एक्स स्क्वायर है ये जब प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा कॉस में तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस में तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस समझ में नहीं है, तो यदि हो गया आपका कॉस तीन एक्स स्क्वायर, क्या गौर से देखिए तो क्या तीन कॉस स्क्वायर एक्स कभी भी कॉस तीन एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, कभी बराबर नहीं होगा, यह तीन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस तीन एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग बात है, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा। चलिए मन की संतुष्टि के लिए हमें ना यहाँ पे एक्स का कुछ मान लेते हैं, ठीक है अब यहाँ पे एक्स का कुछ मान लेते हैं, टेकिंग एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स का मान क्या ले रहे हैं जीरो ले रहे हैं, तब उसके बाद देखिए साइड पे और दिखाते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं और क्लियर कर देते हैं, तो जीओ एफ एक्स जो होगा ना हम निकाले हुए थे तीन कॉस स्क्वायर एक्स निकाले थे कि नहीं, उसमें एक्स के जगह पे जीरो डालिए तो तीन कॉस स्क्वायर क्या होगा जीरो, तो तीन गुने कॉस जीरो वैल्यू वन होता है, वन का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तीन आ जाएगा, कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा। उसी प्रकार आप देख रहे एक और है एफ ओ जी है, लिखते हैं एंड एफ ओ जी एक्स, जब यह निकालना होगा तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है कॉस तीन एक्स स्क्वायर ना, कॉस तीन एक्स स्क्वायर बोले इसको मान के बनाते हैं, वहां पे एक्स के टर्म मान लिए आपके लिए इसे बहुत अच्छा है सबको समझ में आएगा, इसलिए कॉस तो तीन गुने जीरो तो क्या हो जाएगा जीरो होगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है वन होता है, क्या कभी भी तीन एक के बराबर है, कभी भी तीन एक के बराबर होता नहीं होता तीन एक के बराबर, तो पहले ही पता चल चुका था, यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो गया कि वास्तव में तीन एक के बराबर नहीं होता है। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो यहाँ पे स्पष्ट बिल्कुल है कि तीन कभी भी एक के बराबर होगा कभी नहीं बराबर होगा, तीन एक के बराबर कभी हो भी नहीं करेगा, तो यहाँ से भी एकदम क्लियर हो चुका है, तो लिख सकते हैं ना कि जी ओ एक जो होगा ना वो ऐसे एफ ओ जी के कभी बराबर नहीं होता है, थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि नहीं होता है, अब एकदम प्रूफ भी हो गया कि वास्तव में जी एफ जो होगा ना एफ ओ जी के बराबर नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन को और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं उससे और स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है देखो, तो बहुत क्वेश्चन बता रहे हैं, अब देखो क्लास तो नहीं चल रहा है तो जिस सोचे हैं कि इसी पर दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा है, दो क्वेश्चन अभी और हम करा रहे हैं गॉप से संबंधित, इससे पूरा बिल्कुल परीक्षा पूछा गया क्वेश्चन सब है, तीन क्वेश्चन कराएंगे वो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर आठ एक्स क्यूब दिया गया है, आठ एक्स क्यूब एंड जी सच दैट आर टेंस टू आर सच दैट जी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स के पावर एक वर्ट क्या दिया हुआ है तीन दिया हुआ है, फाइंड फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी, ये दोनों क्या करना है ज्ञात करना है, एंड सो डैट दिखाना है कि जी ओ एफ का मान जो होगा ना
एफ ओ जी के बराबर नहीं होगा। इस बात को क्या करना है, दिखाना है। बात समझ में आ गई है? देखो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस कारण ना इसे इस सवाल को हमें ना नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजेंगे, ठीक है ना। तब तक जो वीडियो है ना, आप लोगों को जो सवाल बताए उस सवाल को अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।